एक तरफ देश की राजधानी दिल्ली में लगातार डेंगू के मरीज बढ़ते जा रहे हैं और लोग अपने मरीजों को लेकर हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ चांदनी चौक के नवाबगंज इलाके में करीब 15 दिन से लगातार कई गलियों में जलभराव देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से लोगों को डेंगू के प्रकोप का डर और ज़्यादा सताने लगा है। दरअसल स्थानीय निवासियों का कहना है कि लगातार यहां 15 दिन से कई गलियों में पानी भरा हुआ है, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई कार्यवाही अभी तक नहीं हुई, जबकि उन्होंने यहां के स्थानीय विधायक, स्थानीय निगम पार्षद और तमाम एजेंसियों को शिकायत कर दी है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। यहां पर लगातार डेंगू के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, अगर यही हाल रहा तो पूरे इलाके में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ती जाएगी। लोगों का कहना है कि घरों के अंदर बड़े बड़े मच्छर हो रहे हैं, जिससे लगातार बीमारियां फैलती जा रही हैं। यहाँ पे कस्टमर आ ही नहीं रहे, वहाँ से हमारा मेन गेट होता है, वहाँ से पानी भरा हुआ है, वहाँ से लेके यहाँ तक कस्टमर आ ही नहीं रहे। वहाँ से देखते हैं कस्टमर बाहर पानी भरा हुआ, अंदर आ ही नहीं रहे, बोनी तक नहीं होती हमारी। हम सुबह से शाम तक ऐसे ही बैठे रहते हैं खाली, क्या काम करेंगे हम। हाँ, डेंगू के मरीज भी हैं, दुकानें काफ़ी सारी बंद पड़ी हैं, इसी चक्कर में हमारी कन्फेक्शनरी की, हमारी कन्फेक्शनरी की मार्केट है ये पूरी, लेकिन यहाँ पे कई मतलब जैसे हमारे दुकानदार हैं। कल करवा चौथ का व्रत भी है, उसको लेकर के महिलाएं शॉपिंग करना चाहती हैं, जाना चाहती हैं, तो उसको लेकर आ ही नहीं पा रहे, कोई भी नहीं आ पा रहा। बुजुर्ग यहाँ से निकलते, कई बार कितने लोग गिर चुके हैं यहाँ पे, पानी के अंदर क्या पता चलेगा क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। बेचारी किसी के चोट लग रही है, कोई बीमार पड़ रहा है, अब हम भी यहाँ पे कितने दिन बैठेंगे। यहाँ तक पानी तो सुबह यहाँ पे आ गया है, आप खुद देखिए, बारिश भी नहीं है जबकि उसके बावजूद पानी आ रहा है। बता दें कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि रविवार को करवा चौथ का व्रत है और यहाँ पर कई मिठाइयाँ एवं कॉस्मेटिक की दुकानें हैं। उन लोगों का भी कहना है कि वे लोग इतने परेशान हैं कि एक भी कस्टमर दुकान पर नहीं आ पा रहा है। प्रशासन से कंप्लेन कई बार की गई, लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं हुई है।